और इसीलिए हमारे यहां शास्त्रकार भगवंतों ने स्पष्ट रूप से लिखा कि समझ लेना, इस संसार 2% का और धर्म 100% का। हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमारे परसेंटेज क्या होने चाहिए? कहा कि संसार के ऊपर ध्यान तेरा 2% होना चाहिए, धर्म के ऊपर ध्यान तेरा 100% होना चाहिए। संसार संभालना है, चलाना है, जिम्मेदारी यार। संसार लेके बैठे, परिवार है, व्यापार है, धन है, वैभव है, समृद्धि चाहिए, सब चीजें चाहिए, सामान चाहिए, हर चीज आपको चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या? 2%। और धर्म की वैल्यू 100%। लेकिन आपने ये गणित को उल्टा दिया है, आपने धर्म को 2% में रखा है और संसार को कहां रखा है, बोलो ना, कहां रखा है? 100% में। धर्म को आपने रखा है 2% में, जहां तकलीफ आवे तो धर्म याद आवे, जहां मुसीबत आवे तो धर्म याद आवे, जहां कोई प्रेरणा मिले तो धर्म याद आवे, जहां किसी का मार्गदर्शन मिले तो धर्म याद आवे, जहां कोई धक्का मारे तो धर्म करने का मन हो, बाकी सहज धर्म आपके जीवन में नहीं है। समझना, श्रावक वो, परमात्मा ने बड़ी अच्छी परिभाषा करी, परमात्मा ने लिखा श्रावक वो जो सहज धर्म करता। शुरुआत में प्रेरणा की जरूरत पड़ सकती है, शुरुआत में मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है, शुरुआत में एक धक्का चाहिए, शुरुआत में कोई मार्ग दिखाने वाला चाहिए, शुरुआत में कोई कहने वाला चाहिए, शुरुआत में कोई समझाने वाला चाहिए, लेकिन फिर यदि आपका धर्म सहज नहीं होता तो समझना आप धर्म की श्रेणी में नहीं हो। आपके जीवन में धर्म 2% है और संसार 100% है। ये पूरा गणित उलटाना है हमें, संसार को 2% में लाना है, उस धर्म को 100% में लाना। ये गलत फहमी निकाल देना दिल से, दिमाग से गलत फहमी हटा देना कि मंदिर जाए तो ही धर्म हो सकता है, उपासना जाए तो ही धर्म हो सकता है, धार्मिक संकुल में जाए तो ही धर्म हो सकता है, तीर्थ यात्रा पर जाए तो ही धर्म हो सकता है। कहा कि नहीं, श्रावक और साविका 24 घंटे धर्म की आराधना कर सकते हैं, यदि साधु और साध्वी, समझ लेना, परमात्मा के शासन के साधु और साध्वी यदि 24 घंटे धर्म की आराधना कर सकते हैं तो परमात्मा का शासन के श्रावक और साविका भी 24 घंटे धर्म की आराधना कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप ऑफिस में व्यापार करने के लिए बैठे हो, वहां नीति आपके लिए धर्म है कि किसी के साथ दगा नहीं करना, वो आपके लिए धर्म है, किसी का बुरा नहीं सोचना, ये आपके लिए धर्म है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करना, ये आपके लिए धर्म है। ऑफिस में बैठ के भी धर्म हो सकता है, आप घर में परिवार के साथ बैठे हुए हो, वहां सच्चा प्रेम, वह आपके लिए धर्म है, निस्वार्थ प्रेम, वह आपके लिए धर्म है, परिवार की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह आपके लिए धर्म है, आप मंदिर में बैठे हो परमात्मा के सामने तो भक्ति, वह आपके लिए धर्म है, आप प्रवचन में बैठे हो हमारे सामने तो ज्ञान आपके लिए धर्म है, आप गुरु को मिलने गए उपासना में तो सत्संग, वह आपके लिए धर्म है, आप महाराज साहब को पात्र में बहरा रहे हो तो भैयावज, वह आपके लिए धर्म है। 24 घंटे धर्म हो सकता है, कौन कहता है कि धर्म 2 ही घंटा हो सकता है? ये गलत फहमी दिल से निकाल देना, ये मन से हटा देना, दिमाग में से हटा देना कि साधु साध्वी जी भगवान 24 घंटा धर्म कर सकते हैं, हम श्रावक और श्राविका है, हम 24 घंटा धर्म नहीं कर सकते। ये गलत फहमी हटा दे। कितनी अद्भुत बात लिखी शास्त्रकार भगवान ने, कहा कि श्रावक और श्राविका भी 24 घंटा धर्म कर सकते हैं। व्यापार करते करते आप नीति पूर्वक करते हो तो धर्म है, परिवार को प्रेम पूर्वक संभालते हो तो धर्म है, परिवार को पूरा समय देते हो तो धर्म है, संसार में भी आप धर्म कर सकते हो, धर्म के स्थानों में भी आप धर्म कर सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसीलिए हमारे धर्मों में, शास्त्रों में, शास्त्र धर्म ग्रंथों में हमारे यहां श्रावक जीवन कैसे जीना वो भी बताया गया, मात्र धर्म कैसे करना यह नहीं बताया गया, मात्र पूजा कैसे करनी यह नहीं बताया गया, मात्र प्रतिक्रमण कैसे करना यह नहीं बताया गया, मात्र गुरु महाराज की भक्ति करनी वह नहीं बताया गया, मात्र तप और त्याग कैसे करना यह नहीं बताया गया, हमारे यहां बताया गया कि व्यापार कैसे करना, हमारे यहां बताया गया कि आपके संबंध में उचित व्यवहार कैसा हो, आप यदि किसी के पिता हो तो आपके पुत्र के प्रति आपका उचित व्यवहार कैसा हो, आप यदि किसी की पत्नी हो तो आपके पति के प्रति आपका उचित व्यवहार कैसा हो, आप यदि किसी के पति हो तो आपकी पत्नी के प्रति आपका उचित व्यवहार कैसा हो, हर चीज हमारे यहां बताई गई। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म 1 घंटा 2 घंटा करने के लिए नहीं है, धर्म 24 घंटा करने के लिए। 2% का संसार, 100% का धर्म। जिस दिन यह गणित उलट गया आपका जीवन, आपके जीवन में जिस दिन ये गणित उलट गया, समझ लो आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे। मैं नहीं कहता 24 घंटा आकर के उपासना में बैठो,
मैं नहीं कहता 24 घंटा जाकर के मंदिर में बैठो, लेकिन मैं यह कहता हूं कि मन को 24 घंटा धर्म में पिरो कर रखो। कोई भी काम करते हो वो मायने नहीं रखता, आप कोई भी काम करते हो मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि वह काम करते करते आपके भाव क्या है, वह काम करते करते आपका मन कहाँ है, वह काम करते करते आप सोचते क्या हो, वह काम करते करते आपका चित्त कहाँ है, वह काम करते करते आपके मन की प्रसन्नता है या नहीं। आज के आदमी के जीवन में 2% का धर्म है, 100% का संसार है, इसलिए आज का आदमी दुखी होकर जीवन व्यतीत करता है, दुखी होकर जीवन बिताता है। और यदि वह उल्टा दे, गणित पूरा उल्टा हो जाए, 2% का संसार और 100% का धर्म हो जाए, तो आपका जीवन अद्भुत बन जाए। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।